हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उनके क्या टाइप्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, वो इस सेशन के थ्रू हम आज समझेंगे। सो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर द कस्टम क्लियरेंस, ओके, एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द पेमेंट ऑफ द गुड्स। तो उस बेस को देखते हुए हम इन डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड करते हैं इनके टाइप में। तो टाइप्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव, तो कमर्शियल पर्पस से मीन्स की पेमेंट के पर्पस से, इंटरनेशनली ट्रेड के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है कमर्शियल इनवॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कमर्शियल इनवॉइस, जिसमें हम अपनी गुड्स की वैल्यू और एज पर टर्म्स में मेंशन करते हैं। उस टर्म के बेसिस पे हमारे पास पेमेंट आती है और मूवमेंट ऑफ गुड्स का भी डिवाइड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इनिशियल लेवल पे जब हम इस डॉक्यूमेंट का यूज होता है कस्टम में, डॉक्यूमेंट आपका ईडीआई में जब चेकलिस्ट फाइल होती है तब होता है, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होती है तो वहाँ पे यूज होता है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स ये जो यूज होगा आपका फाइनली, जब आपको बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा और आप बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। बात करें पैकिंग लिस्ट की, तो पैकिंग लिस्ट का पर्पज होता है कि आपके गुड्स की डायमेंशन क्या है, वेट कितना है, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, ठीक है, उनकी पैकिंग किस वे में की गई है, ठीक है, कार्टन बॉक्स है या स्टील बॉक्स है या ओपन है। तो ये पैकिंग लिस्ट में सारी डिटेल होती है कि गुड्स को पैक कैसे किया गया है। तो इसका पर्पस होता है आपका कस्टम क्लेम एग्जामिनेशन में होता है, प्लस ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपने सप्लायर को भेजने पड़ते हैं ताकि वो पैकिंग की जो डिटेल्स है वो समझ पाए, और वॉल्यूम वेट, ग्रॉस वेट, ये सारी डिटेल्स पैकिंग लिस्ट के थ्रू हमें पता चलती है। बात करें परफॉर्मा इनवॉइस, तो परफॉर्मा भी एक कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव ही होता है। कि परफॉर्मा में क्या होता है कि जब हम अपने डील को शुरुआत में अपने बायर को बताना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एक रिटर्न पेपर्स होता है, वो भी एक कमर्शियल इनवॉइस के जैसा ही होता है। बट उसमें क्या होता है कि लीगली हम सिर्फ अपने बायर को सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे गुड्स की वैल्यू ये है और इतने नंबर ऑफ पीस की वैल्यू इतनी होगी और इस पोर्ट के थ्रू हम भेजेंगे, हमारी पेमेंट टर्म्स ये होगी, हमारी इनको टर्म्स ये होगी, मींस कि हम उनको अपनी डील बताते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल परफॉर्मा इनवॉइस का इंपॉर्टेंस है अपने बायर को डील के बारे में बताना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या पेमेंट्स में यूज हो गई है, इसके अलावा किस प्रकार से शिपमेंट आप तक पहुँचेगी, ठीक है। अब बात करें परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर क्या होता है, परचेज ऑर्डर जब हम परफॉर्मा इनवॉइस बना के अपनी डील फाइनल करते हैं हमारी तरफ से, ठीक है, उसके बाद नेगोशिएशन होता है, ऊपर नीचे थोड़ा होता है और रेट प्राइसेस में भी हो सकता है। तो जब ये हो जाता है तो फिर क्या होता है, हम कि जो हमारा बायर है, हमसे जो इम्पोर्ट करवा रहा है गुड्स को, ठीक है, हमसे जो गुड्स खरीद रहा है वो हमें परचेज ऑर्डर देता है, ठीक है। उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि परचेज ऑर्डर के बिना हम गुड्स को डिस्पैच नहीं कर सकते। परचेज ऑर्डर मीन्स कि उसने डिटेल में हमें ऑर्डर दिया है, उसके बेस पे हम गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो परचेज ऑर्डर के बेस पे ही डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है। तो जब भी गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, जब तक हमारे पास परचेज ऑर्डर नहीं होता है, हमें डील फाइनल नहीं करनी चाहिए और गुड्स को डिस्पेच नहीं करनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे कमर्शियल प्रस्पेक्टिव। बात करें तो लीगल प्रस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लीगली आपका डॉक्यूमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। जैसे बिल ऑफ लेडिंग हो गया, तो ये एक लीगल प्रोस्पेक्टिव इस वे में कहा जाता है कि जब आप हम गुड्स का डिस्पैच कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट होती है, तो उस केस में क्या होता है कि हम जो बिल ऑफ लेडिंग होता है वो हमारा प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट होता है। इस डॉक्यूमेंट के बेस्ड पे बैंक हमें पेमेंट करती है, ठीक है, इसलिए इसको लीगल प्रोस्पेक्टिव में लिया गया कि हाँ ये लीगली गुड्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो ये शिपिंग लाइन की तरफ से मिलता है, ठीक है, जब हमारे गुड्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है कि जब भी हमें
गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप गुड्स का यहाँ से बैंक में लगाओगे तब भी आपको एज ए प्रूफ ऑफ बिल ऑफ लेडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपकी पेमेंट पेमेंट या डॉक्यूमेंट एट साइट है, ठीक है। तो इस प्रकार जो टर्म्स है उसमें इसका डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो सप्लायर है एक्सपोर्टर है उसने गुड्स डिस्पैच कर दिए, गुड्स रास्ते में है, इसका ये प्रूफ है और इसके बेस पे आप पेमेंट कर सकते हो। बात करें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, सीओ होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये एक प्रिफरेंशियल होता है, नॉन प्रिफरेंशियल होता है। तो प्रिफरेंशियल में क्या होता है कि ट्रेडिंग के पर्पज से इंपोर्टर कंट्री में आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके जो टैरिफ है, चार्जेस हैं, जैसे ड्यूटी हो गई है, टैक्सेस हो गए हैं, तो ये सर्टिफिकेट ओरिजिन जो प्रोफेशनल प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिन हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि इंपोर्टर कंट्री अगर कोई इस कंट्री के बीच में ट्रेड कोई ट्रीटी हुई है तो उसमें वो बेनिफिट ले पाएगा। नॉन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो गुड्स है आपके वो सिर्फ ये सर्टिफिकेशन करता है कि ये गुड्स मेड इन इंडिया है और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंप लगी होती है, जिसे कहते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये सर्टिफिकेशन हो जाता है कि गुड्स आर मेड इन इंडिया, ठीक है। लेकिन उसका नॉन प्रिफरेंशियल में क्या कि कोई अदर कंट्री से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जीएसपी की बात करें तो जीएसपी भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट होता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ द प्रिफरेंस। इसमें भी ट्रेडिंग के बेस पे कंट्रियों के बीच में जो ट्रीटी होती है उन ट्रीटी के बेस पे जो बेनिफिट होते हैं वो लिए जाते हैं, वही ड्यूटी ऑन टैक्स। ओके, जैसे कि कोई कंट्री बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है तो अगर हमारे पास जीएसपी है तो उस कंट्री को वो टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि उस कंट्रियों के बीच में कोई भी जब ट्रीटी होती है तो फिर ये डॉक्यूमेंट उसमें प्रेजेंट किया जाता है और वो ड्यूटी फ्री हो जाती है। नंबर फोर्थ की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड एक सर्टिफिकेट होता है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले हमें डीजीएफटी से लेना होता है और उसके बेस पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिना इसके हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यही हमारी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। फिर जीएसटी हो गया, ठीक है, जीएसटी के पर्पज से हमें जीएसटी लेना होगा सो देट कि हम जो भी जीएसटी का बेनिफिट ले पाए, जो भी जीएसपी देते हैं उसका हम क्लेम ले पाए, ठीक है, जो भी इनपुट होता है उसका बेनिफिट ले पाए। स्पेस पे जीएसटी का भी इंपोर्टेंट है। और फ्री ट्रेड एरिया सर्टिफिकेट, कोई आपका जो कंट्रियों के बीच में जो होता है ट्रेडिंग फ्री, उसकी बस पर्पज से जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उससे हमें ये फायदा मिलता है कि एक स्पेसिफिक ड्यूटी चार्जेस कम लगते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट थे लीगल परस्पेक्टिव। अब हम देखें इंसेंटिव परस्पेक्टिव। तो पहला डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़ा था वो था आपका कमर्शियल परस्पेक्टिव, ओके, उसमें कमर्शियली जो पेमेंट रिलेटेड चीजें थी। दूसरे में हमने लीगल परस्पेक्टिव समझा, जिसमें कि लीगली इन डॉक्यूमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और ये कि इस प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काम होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं इंसेंटिव प्रस्पेक्टिव। तो इंसेंटिव प्रस्पेक्टिव की अगर बात करें तो जो भी गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव देती है। उसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और कई सारी चीजें ऐसी देती है कि जो इजिली कोई भी अब एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंसेंटिव को क्लेम करने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस उनका वो हम देखते हैं। तो शिपिंग बिल की अगर बात करें तो शिपिंग बिल में एक कॉपी होती है एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में इसका हमें प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम MEIS को अगर हम क्लेम करते थे तो वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशनल की शिपिंग बिल की एक कॉपी हम यूज करते थे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हमने कोई इम्पोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री करने के लिए कोई लाइसेंस लिया है तो उसके अगेंस्ट में हमें जो एक्सपोर्ट करना होगा उसमें भी हम ये शिपिंग बिल दिखा सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी, ये प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट है कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। इसके अलावा BRC की अगर बात करें तो BRC क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट हम करते हैं गुड्स का, जो पेमेंट हमें रिटर्न में आती है तो बैंक सर्टिफाई कर देती है कि हाँ पेमेंट आ चुके हैं इस गुड्स के। तो वो एक सर्टिफिकेट है बैंक रिलाइज सर्टिफिकेट में कि पेमेंट आपके अकाउंट्स में आ चुकी है, उसका सर्टिफिकेट कि आपने फॉरेन करेंसी इंडिया के लिए आपके गुड्स की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका ये एक सर्टिफिकेट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें
जब हम इंसेंटिव क्लेम करते हैं MEIS का, और ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करते हैं, जैसे एडवांस लाइसेंस हो गया या PCG लाइसेंस हो गया, तो उसमें भी इसका इंपोर्टेंस है, ये हमें वहाँ पे दिखाना होता है। बात करें RCMC, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो होता है, इससे क्या होता है कि आप जो भी इंसेंटिव लेते हैं, तो ये पहले हमें RCMC लेना होता है। RCMC लेने के बाद ही हम जो भी किसी स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हम ले सकते हैं। LUT ये भी एक इंसेंटिव पर्पज ही कह सकते हैं, क्योंकि जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कोई GST ड्यूटी पे नहीं करते हैं, तो इस पर कोई हमें कोई भी एक्स्ट्रा मतलब टैक्स नहीं देना होता है। इंडिया से बाहर गुड्स जा रहे हैं तो कोई टैक्स वैक्स देना नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट से कि आप 1 ईयर के लिए फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। ठीक है, जैसे ही 1 ईयर होगा फिर दोबारा आपको ये लेना होगा। लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस जितने भी होते हैं, इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट लाइसेंस, EPCG लाइसेंस, एडवांस लाइसेंस, ठीक है, ये लाइसेंस जो होते हैं ये भी इंसेंटिव परस्पेक्टिव से होते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्ट पर ड्यूटी फ्री करते हैं और उसके बाद में उनके अगेंस्ट हमें एक्सपोर्ट करना होता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाता है। तो ये क्या है, हमें एक बेनिफिट देते हैं कि आप इम्पोर्ट करो और इम्पोर्ट करने के बाद आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इसका ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई गुड्स का इम्पोर्ट किया तो एज ए हमें बेनिफिट हुआ कि ड्यूटी हमारी फ्री हो गई और हमने बेनिफिट लिया। इस प्रकार से इसका एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार से इम्पोर्ट किया, ड्यूटी फ्री की। फॉर एग्जाम्पल कोई कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं कि आप इसको फ्री इम्पोर्ट कर सकते हो, कोई ड्यूटी आपको पे नहीं करनी है। बट इस कैपिटल गुड से जो मैन्युफैक्चरिंग होगी और जो गुड्स फिनिश गुड बनेंगे वो आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, जितनी आपने ड्यूटी सेव की उसका 6 टाइम। इसी प्रकार से एडवांस लाइसेंस होता है, वो भी इंसेंटिव पर्पज से ही होता है कि आप गवर्नमेंट आपको एक इंसेंटिव पर्पज से इंसेंटिव मतलब ये कि आपको बेनिफिट दे रही है कि आप इम्पोर्ट करो, रॉ मटेरियल खरीदो और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करो। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी आपको एक लाइसेंस मिल रहा है, लेकिन करना क्या, हम जो ड्यूटी फ्री की है जितना मेट्रिक टन हमने इम्पोर्ट किया है उसका 90% हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तभी वो ड्यूटी फ्री हो पाई। इस प्रकार से लाइसेंस भी एक इंसेंटिव पर्पज से होते हैं। तो आज के सेशन में जो हमने समझा है, कमर्शियल परस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट समझे, लीगल परस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट समझे और इंसेंटिव परस्पेक्टिव एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समझे। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।